वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है और ये वर्ल्ड कप में अब तक 14 मैच हो चुके हैं और ये जो 14 मैच हुए हैं अब टीम इंडिया भी आपका 3 मैच खेल चुकी है और टीम इंडिया आपका 3 मैच अब तक जीत लिए हैं। लेकिन अब टीम इंडिया को अगला मुकाबला 19 सितंबर ने बांग्लादेश के खिलाफ होती और अगर टीम इंडिया ने यू वर्ल्ड कप जीतना है तो यू मुकाबला हारना पड़ती। थाने सबने मेरी बात सुन के बहुत अचंभ हो रहे होगो कि टीम इंडिया ने यू मैच हारना जरूरी क्यों है, तो थाने वीडियो में मैं पूरी बात समझा सी, तो वीडियो पूरा जरूर देखियो और वीडियो चोखो लगे तो वीडियो लाइक भी करियो और चैनल सब्सक्राइब भी कर लियो। तो चलो वीडियो में बात करा जाएंगे सबने बेरो की कोई भी टीम जब ज्यादा मैच जीत ले तो भी टीम में बहुत उत्साह आ जावे और जब भी टीम के खिलाड़ी में उत्साह आ जावे तो वे कोई ना कोई गलती कर देवी। और अब 2023 का वर्ल्ड कप में भारत का सब दर्शक यह चाहेंगे कि टीम इंडिया यू वर्ल्ड कप जीते, तो टीम इंडिया अगर ग्रुप मैच में कोई मैच हार भी जावे तो टीम इंडिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टीम इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला नहीं हारनी चाहिए। और जय की आपने सबने बेरोगी है कि कोई टीम अगर आपका ग्रुप मैच नहीं हारेगी तो बस टीम सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला पक्को ही हारेगी, तो अगर थाना मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहे तो पिछले वर्ल्ड कप का मैच उठा के देख सको, जब जब भी टीम इंडिया ग्रुप स्टेज का सारा मैच जीतते हैं तो टीम इंडिया आपको मुकाबला सेमीफाइनल में जरूर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2011 का वर्ल्ड कप के बारे में, तो 2011 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीतो, लेकिन भी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में आपका 2 मैच आ रहा और ये मैच टीम इंडिया बहुत ही बुरी तरीके से आ रहा। और 2011 को वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जीतना को राज भी हुई है कि जब टीम इंडिया ये 2 मैच आ रहा तो टीम इंडिया अगला मैच बहुत ही संभल के खेला। और अगर बात करें 2015 का वर्ल्ड कप के बारे में, तो 2015 का वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में एक भी मुकाबला को नहीं हारी और बिको नतीजो ये रही हो कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का हाथों हार गई। और अगर बात करें 2019 का वर्ल्ड कप में, तो 2019 का वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड का हाथों जरूर हारी, लेकिन यह हार इंडिया के लिए बड़ी हार को नहीं, क्योंकि मैच में टीम इंडिया इंग्लैंड की टीम ने मुंह तोड़ जवाब दियो। तो अगर वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया एक मैच हार जावे जिन हार की टीम इंडिया का बहुत ही अचंभ है, तो बा हार टीम इंडिया ने कुछ सबक दे सके। और भी अगर बात करा तो 2022 का T20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में एक मुकाबला भी खुना रहे हो और भी को नतीजो ये रही हो कि टीम इंडिया सेमीफाइनल मुकाबला में इंग्लैंड की टीम से हार गई। तो इस वीडियो से मैं एक साफ बात बोल रहा हूँ कि अगर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 को खिताब जीतना है तो ग्रुप स्टेज में एक मैच ए को हारना पड़ती जिसे टीम इंडिया ने बहुत ज्यादा झटको लगा और भी हार के बाद में टीम इंडिया वर्ल्ड कप में बहुत संभल के खेले, क्योंकि आज का दिन हर कोई भारतीय फैन है चाहे कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप को खिताब जीते, चाहे ग्रुप स्टेज में एक मैच आ भी जावे तो कोई बड़ी बात को नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला टीम इंडिया बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और अगर थाने इस बात को एक उदाहरण और दूं तो हाल ही में 2022 का T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम आयरलैंड की टीम से हार गई, लेकिन बिक बावजूद भी इंग्लैंड टीम वर्ल्ड कप को खिताब जीत लियो, क्योंकि आयरलैंड की टीम से हारने के बाद में इंग्लैंड की टीम बहुत ही संभल के खेली और वर्ल्ड कप 2023 में भी अब इंग्लैंड टीम अफगानिस्तान की टीम से हार गई। तो अगर टीम इंडिया ने भी वर्ल्ड कप को खिताब जीतना है तो एक मैच तो हारना ही पड़ती। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो चोखो लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और हाँ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी करियो।